नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की पड़ताल। दावा क्या है? सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन से जुड़ी एक तस्वीरों का कोलाज वायरल हो रहा है। तस्वीरें सड़कों पर लगी दूरी और दिशा बताने वाले साइन बोर्ड्स की हैं। वायरल कोलाज में अलग अलग साइन बोर्ड्स पर हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में जगहों के नाम लिखे हुए हैं। लोग हिंदी में लिखे इन नामों पर कालिख पोत रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये किसान हैं जो वर्तमान में चल रहे कृषि कानूनों के विरोध में हिस्सा ले रहे हैं। फेसबुक यूजर योगेंद्र साहू हिंदूवीर ने वायरल दावा पोस्ट करते हुए लिखा, पतंजलि का विरोध एवं जियो के टावर तोड़ने के बाद अगला काम हिंदी नहीं चलेगी। पंजाब एवं दिल्ली की सड़कों पर हिंदी में लिखे गए नामों को मिटाया गया, ये किसान हैं। ट्विटर यूजर छत्रपाल सिंह सोलंकी ने भी यही दावा ट्वीट किया है। इसी तरह के तमाम दावे आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब आ रही है पड़ताल की। दी ललन टॉप ने वायरल तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड्स पर कालिख पोते जाने वाली तस्वीरें पुरानी निकली। इनका देश में चल रहे किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। कुछ कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें 25 अक्टूबर 2017 हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक सिख समुदाय के कुछ कट्टरवादी संगठन साइन बोर्ड्स में पंजाबी से ऊपर हिंदी और अंग्रेजी के लिखे जाने से नाराज थे, इसलिए उन्होंने भटिंडा फरीदकोट नेशनल हाईवे पर इन साइन बोर्ड्स के ऊपर हिंदी में लिखे शब्दों पर कालिख पोत दी थी। हमें वायरल तस्वीरों से जुड़ी खबर इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल की 25 अक्टूबर 2017 की रिपोर्ट में भी मिली। वायरल तस्वीरें सिख सियासत न्यूज़ नाम की वेबसाइट पर भी अक्टूबर 2017 की अलग अलग खबरों में हमें मिली। इंडियन एक्सप्रेस की 28 नवंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने साइन बोर्ड्स पर कालिख पोते जाने की घटना पर विधानसभा में चर्चा के दौरान जानकारी दी कि साइन बोर्ड्स पर पंजाबी को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने साइन बोर्ड्स पर कालिख पोतने वाले लोगों पर दर्ज मामले की जांच कराने की भी बात कही थी। साफ है कि साइन बोर्ड्स पर कालिख पोते जाने की जिन तस्वीरों को वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन से जोड़ा जा रहा है वो साल 2017 की है। तो नतीजा क्या निकला पड़ताल का? हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर साइन बोर्ड्स पर कालिख पोते जाने की तस्वीरों के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। हिंदी में लिखे शब्दों पर कालिख पोते जाने की ये तस्वीरें अक्टूबर 2017 की हैं। इसका किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी ओम ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।